नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आई एम ले चलते हैं आपको मंडार के विवादित पेशका स्थल पर, जहां पर धीरे धीरे लोग वहां जमा होने लगे हैं। लोगों को ये सूचना मिली थी कि विपक्ष, दूसरा पक्ष जो है, वो पेशके पे लगे हुए तालों को खोलने की कोशिश कर रहा है या खोलने के लिए कुछ आदेश लाया है। उसके तहत जैसे ही लोग जमा हुए, पुलिस प्रशासन ने भी अपना बंदोबस्त शुरू कर दिया। प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी, उपखंड अधिकारी, DYSP, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना अधिकारी, मैं जाब्ता पहुंच गए और वहां लोगों को समझाइश करने लगे। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, किस तरह से एक दूसरे को समझाइश कर रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि मामला विचाराधीन है हाई कोर्ट में, तो इसे खोलने की कोशिश क्यों जारी की जा रही है। और प्रशासन का कहना था कि हमारे पास आदेश थे, और ग्रामीणों का कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे या धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो इतना जाब्ता और सारा बंदोबस्त क्यों। इस बात पर लोग नाराज हो गए और उन्हें समझाइश कर मामले को शांत करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। समझाइश के संघर्ष कमेटी के वरिष्ठ सदस्यों और ग्रामीणों ने माँ लक्ष्मी जी मंदिर में मीटिंग कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री के नाम उप तहसीलदार के मार्फत से ज्ञापन दिया। आई दिखाते पूरी रिपोर्ट। ठीक है, तो जो कोई भी है ना, उस कोई भी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर, कोई भी कौन, कोई भी जो आपने कहा है ना, कोई भी को हम ढूंढ लेंगे, पुलिस का काम है वो। ठीक है, ऐसा है वो, आप तो ऐसा नहीं करना साहब, अभी आने पर ऐसा नहीं करना, ज्यादा फैलेगी, क्या करना, अरे ऐसे मत करो, हम नहीं करते, काम को करता है, मत करो, अरे यहां के साथ खड़े होते हैं, मैं पर नहीं हुआ, सब मुझे रुका है, सब हो जाएगा मेरे सामने, अरे थोड़ा मैंने बोल दिया, बोल दिया, सब बोल दिया, सब बोल दिया, सब बोल दिया, अरे सब बोल दिया। न्यायालय में विचाराधीन है, कल दिनांक 24/4/2022 को गांव एक हुआ था, इसमें तहसीलदार साहब रेवदर बैठक को हुए थे। तहसीलदार साहब रेवदर ने बताया कि न्यायालय का फैसला जैन समाज के पक्ष में आया है, इसीलिए जैन समाज का हक बनता है, प्रशासन जैन समाज को सुपुर्द करेगा। ऐसी चर्चा होने पर गांव आक्रोशित हुआ एवं फिर तहसीलदार साहब से आश्वासन दिया कि जब तक संभागीय आयुक्त, राजस्व मंडल एवं अजमेर हाईकोर्ट जोधपुर का गांव की तरफ से मामले विचाराधीन है, उन फैसले आने पर गांव के पेशके की तारीख होने जाएंगे, जब तक अदा स्थिति पेशके की बनती था। लेकिन आज सुबह अलग अलग थानों से मंडान में पुलिस जाप्ता आने से गांव के लोगों में आशंका फैली, तो व्यापारियों ने अपनी इच्छा से गांव के हित पे अपनी इतनी दुकानें बंद, मैं थोड़ा मंडी थी बंद करी है, अरे दुकान मंडी थी बंद करी है, खोलने का प्रयास किया तो गांव की शांति खुल चुकी है, इसमें प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। पूर्व में ग्रामवासियों द्वारा लिखित में जिला कलेक्टर सिरोही, उप अधिकारी देवधर, तहसीलदार रेवधर, उप अध्यक्ष रेवधर, पुलिस थाना मंडार में निवेदन कर चुके हैं। आज गांव के व्यवसायी पुलिस प्रशासन किसी व्यक्ति विशेष को ताकि नहीं बना पाए, ताकि शांति बनी रहे, जब तक प्रशासन पूरे गांव का आश्वासन नहीं देता है तब तक गांव में ऐसी सभाएं होती रहेगी, या गांव जगारा को भाई आगे आगे मत जाओ यार, स्टेपल है, स्टेपल थोड़ी जतर, हमारे गांव के नेता जी थोड़ी जगह राखो, मैं गड़बड़ ला के सीधा फोटो पर गांव जगारा आठी में आ रही ज्ञापन देवा आया, कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री ने ज्ञापन लिखो भेजा भी, और आर आई गोम वाला भी सब जना होके आया है, और ज्ञापन में लगे हुए कल दिनांक 25/4 को गांव के एक 31 हुआ था।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।